देखते रहिए UBN0@RON से राम रघुवंशी की रिपोर्ट। आरोन नगर आगमन, प्रदेश सरकार में नव नियुक्त नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि अब आरोन का हर व्यक्ति कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने कहा कि आरोन के सभी लोग कैबिनेट मंत्री की हैसियत से सरकारी कार्यालयों में जाएं। जयवर्धन ने हालांकि हिदायत देते हुए यह भी कहा कि भ्रष्टाचार, नशा, स्मैक और दलाली जैसी चीज़ों से सभी लोग बचें। जयवर्धन सिंह आरोन में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मंत्री बनने के बाद पहली बार आरोन पहुंचे जयवर्धन सिंह का कई जगहों पर स्वागत किया गया। देखते रहिए UBN0@, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। विजय जुलूस में सहभागी बने मेरे समस्त प्यारे कांग्रेस साथियों, मैंने आप हम सब की भावनाओं को माननीय बाबा साहब के व्यक्तित्व पर कुछ पंक्तियों में अभिनंदन पत्र के रूप में व्यक्त किया है। अगर मेरी पंक्तियां बाबा साहब के व्यक्तित्व पर फिट बैठे तो वाले समय में आप क्या मुद्दों को लेकर चलेंगे? मैं आज बहुत भावुक हूँ क्योंकि पहली बार मुझे जब से मंत्री बना हूँ, मैं मेरा पहला आगमन यहाँ आरोन में हुआ है और जो प्रेम और स्नेह जनता ने दिया है उसके लिए मैं आरोन के हमारे इस पूरे परिवार के हर एक सदस्य का बहुत बहुत आभारी हूँ। नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो सड़कों की हो, अपने पेयजल की हो, अपने स्ट्रीट लाइट की हो और अन्य योजना, सबको लागू करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। साथ में हर बड़े कस्बे में जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सौंदर्यकरण, साथ में हर शहर में नए पार्क का निर्माण और अन्य और भी योजनाएं युवाओं के लिए भी हम स्थापित करेंगे। मूल बात ये है कि ये सरकार कमलनाथ जी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने छिंदवाड़ा में बहुत विकास किया है, और यह सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी और विशेषकर यह सरकार आम जनता की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की और महिला वर्ग की सेवा करने वाली सरकार। धन्यवाद सर। बाबा साहब का नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पाल यादव। कहाँ रहते हैं आप महेंद्र जी? आरोन रहते हैं। जैसे आपके क्षेत्रीय विधायक को मंत्री बनने पर आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, हम पूरा क्षेत्र बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस क्षेत्र में दो दो विधायक और दो दो मंत्री इस बार कैबिनेट में लिए हैं।